का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। न सिर्फ महिलाओं को लेकर एक खास तबके ने एक धारणा बनाई, बल्कि उन महिलाओं की जिंदगी भी मुश्किल हो गई है जो शादी के बाद पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहती थी। यूपी बिहार के तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पतियों ने या तो पत्नी को पढ़ाई छोड़कर घर आने को बोल दिया, या फिर बीवी को नौकरी मिलने के बाद वो पति को छोड़कर अलग रास्ते पर निकल पड़े। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले ने खलबली मचा दी है। यूपी से बिहार तक ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कन्नौज में पति पत्नी के झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने मंत्री असीम अरुण के पास पहुंचकर शिकायत की है कि उनके पति ने उन्हें पढ़ने जाने से रोक दिया है और उनसे मारपीट कर रहा है। मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के नारायणपुरवा गाँव का है, जहाँ दीक्षा नाम की महिला की शादी 3 महीने पहले ही उसी गाँव के विजय प्रताप से हुई थी। शादी के बाद भी दीक्षा की पढ़ाई लिखाई जारी थी और दीक्षा के मुताबिक पढ़ाई का खर्च उनके घर वाले उठा रहे थे, लेकिन हाल ही में बीएड की परीक्षा देने जाने से उनके पति विजय प्रताप ने रोक दिया और आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। दीक्षा का आरोप है कि उनके पति ने उन्हें कहा है कि वो उन्हें ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। जज बोलने लगे गलत सलत की हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इस पैर की ज्योति बना के रखेंगे, हम ज्योति मौर्य नहीं बना पाएंगे इसको, कि ज्योति मौर्य मेरी मर्जी, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं आप कुछ कहने वाले नहीं हैं। आप पढ़ाई कर रही थी? हाँ पढ़ाई। तो कौन पढ़ा रहा था आपको? माँ बाप पढ़ा रहे थे। तो पति महीने से शादी हो गई, उनके एक पैसा चप्पल बिंदी चूड़ी तक नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया मेरे साथ। वही एक और मामला पिछले दिनों बिहार के बक्सर जिले से सामने आया, जहां एक पति ने प्रयागराज में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बुन रही अपनी पत्नी को वापस गांव बुला लिया। मजबूर होकर पत्नी थाने में पहुंची तो उसके पति ने पहुंचकर कह दिया कि वो ज्योति मौर्य का मामला देखकर डर चुके हैं और वो अब अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ाना चाहते। नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच बेच के कर देते, बात वो अलग होता, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, नहीं हो सकता है हमारे से, इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते लास्ट में क्या करेंगे। जबकि पिंटू सिंह की पत्नी ने थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर दी और ये भी कहा है कि अगर इस तरह से होता रहा तो शादीशुदा महिलाओं के पढ़ने और सपनों का क्या होगा। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहां देखिए यही न्यूज चल रही है, हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं कल का यही घटना हो जाए तो। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अमेठी में रीवा से आया एक युवक भटक रहा है, जो दावा करता है कि उसकी पत्नी यूपी के अमेठी में सैनिक स्कूल में पढ़ने आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो अपनी पत्नी से मिल भी नहीं पा रहा है, उसे स्कूल के भीतर जाने की इजाजत भी नहीं है। पत्नी को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आज तक हमारा नहीं हो पाया। न्यायालय से हमने सुलहनामा भी कराया, एक बार हमारा 14 फरवरी 2021 को मीडिएशन भी हो चुका है, सुलह भी हो चुकी कोर्ट से, लेकिन पत्नी के अंदर कोई भी वो नहीं दिखा। शिक्षक हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, बार बार हमें शिक्षक के द्वारा भी गाली गलौज हमारे फोन में देते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं। सोशल मीडिया पर SDM ज्योति मौर्य का मामला आने के बाद ऐसे मामलों की भरमार देखने को मिल रही है और इसी के साथ तमाम जगहों पर तैयारी कर रही और आगे की पढ़ाई कर रही शादीशुदा महिलाओं पर जहां घर से दबाव बनाया जा रहा है, वहीं महिला वर्ग का मानना है कि ज्योति मौर्य के एक मामले पर अगर पत्नी के मामले में पति डर के मारे उन्हें ना पढ़ाने का फैसला ले रहे हैं तो ये गलत है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये है